वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट जीके का टेस्ट का लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने अभी तक 14 से 15 टेस्ट करवा दिए हैं। यदि आप लोगों ने पीछे वाले टेस्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके सारे टेस्ट को दीजिए। यहाँ से आपका मार्क्स बूस्ट होने के लिए ये टेस्ट होते हैं एंड न्यू क्वेश्चंस आप कर सके उसी के लिए होते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके नेवी एमआर एग्जाम्स एंड एसएसआर के लिए भी जीके इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आज का एक क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना मार्क्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1945, 1942, 1930, 1947 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो चलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 1942 में। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन, चुसूल, कोहिमा, पामीर। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल तो न्यूज़ में भी ये सब अभी आ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सियाचिन होगा। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? सी आर दास, लाला लाजपत राय, सी एफ एंड यू, सरदार भगत सिंह। शेरे पंजाब का नाम आप लोगों ने सुना होगा और इसे किसको कहा जाता है? तो शेरे पंजाब जो कहा जाता है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? लाठीचार्ज से हुई थी। किसके विरोध में इनकी मृत्यु हुई थी? साइमन कमीशन के। चलिए खिलाफत आंदोलन को किस से जोड़कर देखा जाता है? भारत का विभाजन, हिंदू मुस्लिम दंगे, हिंदू मुस्लिम एकता एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। तो खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? चलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? हिंदू मुस्लिम एकता से जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो दीन बंधु किसे कहा जाता है? सी आर दास, लाला लाजपत राय, सी एफ एंड यू, सरदार भगत सिंह। दीन बंधु, सी आर दास का फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ, चित्रंजन दास होता है और इन्हीं को कहा जाता है क्या? दीन बंधु। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मालिक ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो चोल साम्राज्य का अंत किन्होंने किया था? इसका सही जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट नहीं, मैंने खुद, चलिए इसको आप कमेंट में बताइए, इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइए। इसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट में बताऊंगा यदि आप लोग गलत बोलेंगे तो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फिलहाल इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हम चाहते हैं कि आप कमेंट में बताइए और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। स्वराज पार्टी सी आर दास व मोतीलाल नेहरू का गठन कब हुआ? 1923, 1921, 1925, 1928। तो स्वराज पार्टी और मोतीलाल नेहरू का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यह हुआ 1923 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1937, 1942, 1943, 1945। चलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1943। 1945 ईस्वी में मोहन सिंह सिंगापुर में किया, परंतु 1923 ईस्वी में अधिकार में पुनर्गठन किया गया था। तो चलिए इसका और एक बात बताइएगा, सुभाष चंद्र ने इसका 1943 अधिकार में पुनर्गठन किया था। नेक्स्ट है, गुरुदेव की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो गुरुदेव की उपाधि किसके साथ संबंधित है? बी आर अम्बेडकर, बी सी पाल या रविंद्रनाथ टैगोर या सी आर दास। तो गुरुदेव किसे कहा जाता था? चलिए चलिए इसका उपाधि किसी को मिली थी, ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। एंड अब जो क्वेश्चन आएंगे वो विश्व इतिहास से रिलेटेड आएंगे। इसके पहले जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए वो सब हिस्ट्री से रिलेटेड थे, बट ये आपका टेस्ट था, ये याद रखिएगा। अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले किन्होंने आक्रमण किया? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या जर्मन। तो किसने किया था सबसे पहले आक्रमण? फ्रांसीसी ने किया था। वेस्टाइल जो कि फ्रांसीसी की क्रांति से संबंधित है, यह क्या था? कारागार, शाही महल, सैनिक छावनी, विधानमंडल। तो बेस्टाइल जो कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित था, क्या था ये आंसर? आप लोगों को 90% को नहीं पता, कारागार था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं नारा का संबंध है? बिना प्रतिनिधित्व का कराधान
नहीं नारा का संबंध किससे है, फ्रांस क्रांति से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ब्रिटिश नागरिक युद्ध से, या अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध से? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब बताइए अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध से बिना प्रतिनिधित्व के कारागार संबंधित है। पुनर्जागरण आंदोलन किस देश से शुरू हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन? पुनर्जागरण आंदोलन किससे शुरू हुआ था, तो इसका सही जवाब बताइए पुनर्जागरण, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली एंड स्पेन, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, इटली। रूसी क्रांति 1917 के समय रूस का जार कौन था, निकोलस, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर टू, कैथरीन? चाहिए इसका सही जवाब बताइए, निकोलस दो। एक्सिस पावर देशों में कौन से देश शामिल नहीं है, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली? तो ध्रुव राष्ट्रों देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, जापान, जर्मनी एंड इटली जो है इससे शामिल है, फ्रांस जो बचा वो शामिल नहीं है। मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं है, अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूनान, मित्र राष्ट्रों में? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, अमेरिका, फ्रांस, रूस शामिल है, यूनान शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब यूनान। निम्न में से कौन सा रूसी क्रांति का जनक जाना जाता है, केनिस्को, ट्रोस्की, कार्ल मार्क्स या लेनिन? रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो चलिए इसका सही जवाब आप लोगों से तो उम्मीद जरूर करते हैं, आंसर होगा लेनिन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध बोस्टन टी पार्टी जिसमें अमेरिकी नागरिकों ने इंग्लैंड के प्रति अपना विद्रोह विरोध व्यक्त करते हुए जहाज के साथ चाय की पेटियों को समुद्र में फेंका, किस वर्ष हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, आज तक अभी तक का तो सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा। किस वर्ष हुई, 1776, 1775, 1773, 1772? ये 1773 में हुई थी। 1773 से संबंधित कोई एक्ट लागू हुआ था, उस एक्ट का नाम कमेंट में बताइए। प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट और किस घटना से संबंधित है, अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध, सम्राट सीजर अलेक्जेंडर, फ्रांस की क्रांति या इटली पुनर्जागरण? तो इसका सही जवाब बताइए, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। स्वतंत्र समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत किस क्रांति से जुड़ा है, अमेरिका क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या जर्मन क्रांति? तो स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत किस क्रांति से जुड़ा है, तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब फ्रांसीसी क्रांति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूसी क्रांति का मुख्य कारण था, रूस के औद्योगिक विकास में कमी, किसानों पर ऋण का भारी बोझ, रूस की जनता पर दमनकारी कानून, भारी अकाल? तो रूस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो रूस की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो रूस की जनता पर दमनकारी कानून। 4 जुलाई 1976 को वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किस स्थान पर की गई, 4 जुलाई 1776 वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, शिकागो या फ्लोडिफिया? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका जो सही जवाब होगा फ्लोडेल्फिया में की गई थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था, तो उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था, चलिए लुई 14, लुई 15, लुई 16 या नेपोलियन बोनापार्ट? तो उस समय कौन था, वो था लुई 16। चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन और आज का टेस्ट खत्म हो जाएगा। दो क्वेश्चन है जो कि है, किस वर्ष में सोवियत संघ का विभाजन 15 देशों में हुआ तथा रूस अस्तित्व में आया, 1989, 90, 91, 92? तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1991। कौन सा, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है, बोस्टन टी पार्टी, फ्रांस न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, रूस 4 मई आंदोलन, चीन या बोअर युद्ध अफ्रीका? तो इसका सही जवाब बताइए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बोअर युद्ध अफ्रीका से संबंधित नहीं है, तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज का टेस्ट भी 25 क्वेश्चंस का ख़त्म होता है, एंड आप लोगों को मार्क्स कमेंट कराना है, कमेंट करके बताना है एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जाके चैनल का नाम सर्च कीजिएगा तो आप वहाँ ऐड हो जाइएगा। एंड आप लोगों को यहाँ 25 क्वेश्चन कराने का मकसद क्या है कि आप 25 क्वेश्चन डेली पढ़ सके और इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट करके अपने याद रख सके।
क्योंकि देखिए कोई कोई 15 क्वेश्चन करवाता है, वो 15 क्वेश्चन करवा के फ़ायदा क्या है, वो इतना कम क्वेश्चन करवा के एक दिन में क्या आप नेवी एमआर एग्जाम्स क्वालिफाई करवा देंगे स्टूडेंट्स को। मैं डेली देखता हूँ कोई कोई सर का वीडियो, सब्सक्राइबर बहुत है बट वो 15 साइंस का क्वेश्चन लाते हैं। यार 15 क्वेश्चन क्या होता है एक दिन के क्लास, 15 क्वेश्चन इनफ है? आप ही बताइए ना, आप तो स्टूडेंट्स हैं ना, 15 क्वेश्चन में नेवी एमआर क्लियर होता है? नहीं होता है। मैं 25 क्वेश्चन लाता हूँ, 25 क्वेश्चन में भी नहीं होता है। मैं 25 क्वेश्चन एक दिन में सिर्फ 25 क्वेश्चन ला के क्लास ऑफ नहीं करता, मैं उसके साथ कॉन्सेप्ट क्लासेस चलाता हूँ या अलग से और जो टॉप 500 लूसेंस है उसको चलाता हूँ। यदि कोई टीचर देखिए 15 क्वेश्चन आपको कराता है एंड देन अलग से कुछ कराए तो कोई फ़ायदा नहीं है, 15 क्वेश्चन में कुछ होने वाला नहीं है। 15 क्वेश्चन कितना दिन कराएगा, 20 पार्ट कराएगा तो मुश्किल से आपका कितना होगा 300 क्वेश्चन। यदि मैं 20 पार्ट कराऊंगा तो आपका 25 करके 20 500 क्वेश्चन होगा। वो 15 क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ 15 मिनट का समय लगा देते हैं। यार इतने समय किस लिए लगा रहे हैं, स्टूडेंट का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप? यदि 25 क्वेश्चन में आपको 7 से 10 मिनट में करवा सकता हूँ वो भी अच्छे से, तो आप उसको 15 मिनट क्यों लगा रहे हैं 15 क्वेश्चन में? क्या स्टूडेंट के साथ ये टाइम वेस्टिंग नहीं है? मैं आपको 25 क्वेश्चन का टेस्ट क्या होता है, यदि आप टेस्ट ले रहे हैं मैं क्वेश्चन दूँ, 4 ऑप्शन दूँ और उसके आप आंसर दें, मैं आपको आंसर बताऊँ, ये टेस्ट होता है। आप यदि 15 क्वेश्चंस को यदि लंबा खींचेंगे अपने वीडियो के लिए तो यह स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो ये सिर्फ जान लीजिए कि 25 क्वेश्चन में यदि आप 25 क्वेश्चंस को 10 मिनट में करेंगे तो आपका फ़ायदा है। 15 क्वेश्चन करके कोई फ़ायदा होने वाला है? 15 क्वेश्चन कितना आप कीजिएगा, कितना वीडियोस को यदि आप रिविजन करना होगा तो कर पाइएगा 15 क्वेश्चन करके, कितना वीडियो देखिएगा आप ही बताइए ना। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, इसलिए मैं आप लोगों को तो बोल रहा हूँ साइंस का इतना क्वेश्चन करवा दूंगा, इस बार रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। कोई चैनल जितना 2 सेशन में जितना नहीं करवाता मैं आपको उतना करवाने वाला हूँ। चलिए तब तक के लिए जैन फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक टेस्ट के साथ ही मिला जाएगा।